दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के साथ साथ एमसीडी अस्पतालों के डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ की क्या परेशानी है वो सुनिए। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और इसके खिलाफ एमसीडी हॉस्पिटल के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। ऐसे ही अजमेरी गेट पर एक एमसीडी हॉस्पिटल में है, गिरधरला हॉस्पिटल में तमाम कर्मचारी हैं यहाँ के, आप सब हड़ताल पर चले गए, लोगों को दिक्कत तो हो रही है ना? लोगों को दिक्कत आ रही है, सरकार को ये भी सुनना चाहिए जो कर्मचारी हैं उन्हें भी दिक्कत है, उनका भी परिवार है, उन्हें भी पैसा चाहिए, उनके भी बच्चे हैं, तो अपनी जरूरतों के लिए हम सब नौकरी करते हैं। अब आप नौकरी करा रहे हैं लेकिन हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, क्या हमारे परिवार नहीं है? 3-3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है, कैसे गुजारा हो रहा है? उधार वाले दूध से दूध उधार ले लेते हैं लेकिन उसका पैसा भी तो चुकता करना होता है। यकीनन, और सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल में सभी लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोग हड़ताल पर हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी स्ट्राइक कर दिया है, मरीज आ रहे हैं, बाहर खड़े थे, बहुत परेशानी हो रही है उनको। नहीं, हम समझते हैं कि मरीजों को बहुत परेशानी हो रही होगी और इस अस्पताल में हम काफी मरीजों का इलाज भी करते हैं। हम भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी स्ट्राइक कर दिया है, मरीज आ रहे हैं, बाहर खड़े थे, बहुत परेशानी हो रही है उनको। नहीं, हम समझते हैं कि मरीजों को बहुत परेशानी हो रही होगी और इस अस्पताल में हम काफी मरीजों का इलाज भी करते हैं। हमने जो अपना मेमोरेंडम इसमें इशू किया था स्ट्राइक का, उसमें हमने कहा था कि हम इमरजेंसी के पेशेंट्स जो हैं उनको हम रिफ्यूज नहीं करेंगे और हम इमरजेंसी वाले पेशेंट्स ले भी रहे हैं और अभी भी हमारे वार्ड के अंदर इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं, पर हमने ओपीडी जो है सिम्बोलिक तरीके से अभी जो है वो पैरालाइज कर दी है। हमारी सैलरी अगर आज रिलीज करते हैं तो ओपीडी हम समझते हैं कि कल से जो है पुनः चालू कर सकते हैं। हमें इसका स्थायी सोल्यूशन चाहिए, ये ना हो कि 1 महीने की सैलरी लेके फिर अगले महीने हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ऐसा है कि पिछले कुछ महीनों से हम यही कर रहे हैं, हमने कोशिश की कि हमें स्ट्राइक ना करनी पड़े, मरीजों को हमारी वजह से दिक्कत ना हो। अभी भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी मरीज को दिक्कत ना हो, हमने ऑपरेशन वाले मरीजों को रखा हुआ है। हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक की वजह से लोगों को दिक्कत भले ही हो रही है लेकिन इनकी परेशानियां भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। कैनन गुलशन के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज।